तो चलिए फिर 3, 2, 1 लेट्स गो। तो गाड़ी जो है 40 पे पहुंच गई है। तो चलिए फिर फ्रेंड्स अब गाड़ी की टेस्ट ड्राइव शुरू करते हैं। गाड़ी जो है टोटल 30,000 किलोमीटर चल चुकी है और हम टेस्ट ड्राइव कर रहे हैं फोर्ड एस्पायर को। तो गाड़ी जो है स्टार्ट हो चुकी है और बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं है गाड़ी में, फिलहाल आइडल कंडीशन में है और आइडल कंडीशन के अंदर भी कोई भी वाइब्रेशन नहीं है गाड़ी में। गाड़ी का एसी ऑन है और जैसा कि आप देख रहे हैं गियर लीवर भी काफ़ी साइलेंट है। ये हमने हैंड ब्रेक डाउन कर दिया और फर्स्ट गियर डाल दिया। तो चलिए फिर तो फिलहाल काफ़ी स्मूथ चल रही है गाड़ी और स्टेयरिंग व्हील भी काफ़ी लाइट है। बाकी जैसा कि आप देख सकते हैं स्टेयरिंग व्हील पे हमें यहाँ पे पकड़ने के लिए डिज़ाइन मिल जाएगा जिसकी वजह से आपको इजी रहेगा स्टेयरिंग को पकड़ना। और गाड़ी के इनिशियल पिकअप की बात करें तो इनिशियल पिकअप जो है वो भी काफ़ी अच्छा है, पंच आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, लीनियर पिकअप है पर पिकअप जो है वो अच्छा है। और जैसे आप एक गियर फालतू डाल के गाड़ी को चलाएंगे जो इकोनॉमिकली हम चलाते हैं तो उसमें थोड़ी सी लेजी फील होगी गाड़ी। फिलहाल जो है स्टेयरिंग व्हील काफी लाइट है जिसकी वजह से मजा आ रहा है गाड़ी को चलाने में। तो एक बार इसका 0 to 60 टेस्ट कर लेते हैं अब हम। तो ये हमने डाल दिया इसका फर्स्ट गियर। तो 3, 2, 1 लेट्स गो। हेलो, मैं तो यहीं आकाश भाई के साथ आ जाएंगे वो ये टेस्ट ड्राइव लेने के लिए। तो गाड़ी जो है 40 पे पहुंच गई है। और काफी स्टेबल चलती है गाड़ी, फिलहाल गाड़ी में एक्स्ट्रा साउंड कोई भी नहीं है बॉडी के अंदर। तो जजमेंट करने में आपको थोड़ी दिक्कत होगी क्योंकि अंदर बैठ के सिर्फ इसका डैशबोर्ड दिखता है, बोनेट नहीं दिखेगा। बाकी जैसा कि आप देख रहे हैं पिकअप वगैरह ठीक है, सिर्फ लीनियर पिकअप है, पंच कहीं पे भी नहीं है। और सबसे अच्छी बात जो है इस गाड़ी की, इसका जो इंजन है वो काफी साइलेंट है, चाहे हाई आरपीएम में भगाओ और चाहे लो आरपीएम में भगाओ आपको इंजन की साउंड बिल्कुल भी नहीं आएगी कैबिन में। और आइडल कंडीशन में तो पता ही नहीं लगता कि गाड़ी स्टार्ट खड़ी है, इतना साइलेंट इंजन है और अच्छे तरीके से ट्यून किया गया है फोर्ड ने। बाकी अब इसका सस्पेंशन टेस्ट देख लेते हैं एक बार। ये रोड जो है थोड़ी टूटी हुई है तो झटके जो हैं वो लग रहे हैं अंदर। बाकी नॉर्मली जैसे छोटी मोटी गाड़ियों में लगते हैं उतने नहीं लग रहे, उनसे काफी कम है। और स्टेयरिंग के रिस्पॉन्स की बात करें तो जैसा कि आप देख रहे हैं वो भी काफी अच्छा है, काफी अच्छा फीडबैक देता है स्टेयरिंग इसका। और एसी जो है इस टाइम हमने इसका एसी लो पे चलाया हुआ है जिससे कि माइलेज भी अच्छा देती है और आप जैसे ज़्यादा गर्मी नहीं है तो वहाँ पे चला सकते हैं, कूलिंग भी ठीक करता है। और बाकी पिकअप में तो कोई फर्क है ही नहीं, एक बार एसी बंद करके भी भगा के देखेंगे इसे।
तो अब कर लेते हैं इसका 0-60 टेस्ट। पहले ठीक से हुआ नहीं था क्योंकि आगे ट्रैफिक था, तो ये लगा दिया हमने गाड़ी को साइड में और गाड़ी आ चुकी है फर्स्ट गियर में। पहला टेस्ट करेंगे हम एसी पे और दूसरा करेंगे एसी बंद करके। तो चलिए फिर 3-2-1 लेट्स गो। तो गाड़ी जो है 40 पे पहुंच गई है और ये इसने 60 को टच कर लिया। तो 80 तक जो है काफी इजीली पहुंच गई थी गाड़ी, सिर्फ थोड़ी सी जो आपको पंच नहीं मिलेगा पावर में उसकी कमी महसूस होती है, उसके अलावा गाड़ी काफी बेहतरीन चलती है। तो अब इसका एक बार हम करेंगे 0-60 एसी बंद करके। तो अब कर लेते हैं इसका एसी बंद और अब देखते हैं कुछ पावर में फर्क वगैरह मिलेगा नहीं मिलेगा। तो हल्का सा अंतर हुआ है पावर में, 10% के अराउंड इंक्रीज हो गया और पहले से जल्दी 60 पर पहुंच गई है गाड़ी। ये 70 और अब 80 और गाड़ी की ब्रेकिंग और देख लेते हैं। तो फिलहाल 80 से और 0 आ गई गाड़ी काफी इजीली, काफी अच्छी ब्रेकिंग मिल जाती है हमें इसके अंदर। तो अब यहां से यू टर्न लेते हैं और बाकी हाई स्पीड स्टेबिलिटी वगैरह देख लेते हैं इसकी। तो गाड़ी जो है काफी बेहतरीन है चलने में और अगर आप फोर्ड एस्पायर लेते हो तो काफी मजा आएगा चलाने में आपको। काफी साइलेंट कार है और केबिन के अंदर नॉइज वगैरह भी नहीं आती बाहर की कोई भी। और जैसा कि आपने देखा गाड़ी में बॉडी रोल बिल्कुल भी नहीं है, एसी पे हल्की सी लेजी है और सिर्फ आपको पंच नहीं मिलेगा वो कमी महसूस होगी, उसके अलावा गाड़ी काफी बेहतरीन है। बॉडी वगैरह भी हमें इसके अंदर काफी अच्छी मिल जाती है, मजबूत बॉडी है गाड़ी की। बाकी ब्रेकिंग के मामले में भी कोई शिकायत नहीं होगी, काफी अच्छी ब्रेकिंग है। थोड़ी ट्रैफिक में ही दिक्कत होगी, उसके अलावा कुछ नहीं है और अंदर से काफी एयरी फील होती है गाड़ी, जैसे कि लाइट कलर का इंटीरियर दिया गया है जिसकी वजह से आपको घुटा घुटा महसूस नहीं होगा इसके अंदर। और फोर्ड के जो इंजन है वो ज्यादातर साइलेंट ही होते हैं। बाकी गाड़ी 30,000 चल चुकी है और फिलहाल हमें कोई भी कमी महसूस नहीं हुई इसके अंदर चलने में, काफी बेहतरीन चल रही है। तो अगर आप फोर्ड एस्पायर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, हमारी तरफ से थम्स अप है। और माइलेज की बात करें फिलहाल गाड़ी 15 का माइलेज दे रही है जिस हिसाब से हमने इसको चलाया है, तो माइलेज भी जो है पेट्रोल पे ठीक निकाल रही है गाड़ी। तो फ्रेंड्स इतनी ही थी आज की वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, भारत माता की जय।